दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला दोस्तों जिनके जरिए आप दोस्तों यहाँ पे किसी भी मोबाइल, चाहे वो आपका मोबाइल हो चाहे वो आपका फ्रेंड का मोबाइल हो, तो उस मोबाइल के अंदर यहाँ पे अगर गैलरी लॉक है, व्हाट्सएप लॉक है या यहाँ पे स्टोरेज फाइल लॉक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लॉक होने के बाद भी यहाँ पे गैलरी के अंदर जो फोटोज़ वीडियोज़ वो है सब कुछ यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों। एक ऐसा ट्रिक मैं आपके लिए लाया दोस्तों जो कि काफ़ी कमाल का है दोस्तों। तो ये ट्रिक क्या है, कैसे यूज़ करना है, कैसे आप यहाँ पे गैलरी के अंदर यहाँ पे फोटोज़ वीडियोज़ कैसे आप देख पाएंगे लॉक होने के बाद भी, तो वीडियो को आज तक देखते रहिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सलील जला और टेक्निकल सलील यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं जो ये ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों वो सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसका आप गलत यूज़ मत करना। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे किसी भी मोबाइल, चाहे वो आपका हो या आपका फ्रेंड का मोबाइल हो, उसके अंदर यहाँ पे गैलरी में लॉक है, व्हाट्सएप के अंदर लॉक है या चाहे वो यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर लॉक है, फिर भी आप यहाँ पे दोस्तों फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह यहाँ पे देखना चाहते हो उस मोबाइल का, तो सिंपल सा आपको करना क्या है, उस मोबाइल के अंदर यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र तो होता है दोस्तों, तो सिंपल सा आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है दोस्तों फाइल। जैसे यहाँ पे फाइल यहाँ पे सर्च करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कोलन आपको यहाँ पे लगाना है, फिर इसके बाद यहाँ पे स्लैश 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 तीन बार आपको यहाँ पे स्लैश लगाना है, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है एसडी कार्ड। जैसे यहाँ पे एसडी कार्ड इस तरह लिखेंगे, फिर यहाँ पे सर्च करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे दोस्तों आपके फाइल मैनेजर के अंदर यहाँ पे दोस्तों जितने भी दोस्तों यहाँ पे फोल्डर हो गए दोस्तों वो सारा कुछ यहाँ पे शो कर देगा, चाहे वो आपका गैलरी का हो, चाहे व्हाट्सएप का हो, चाहे आपका कोई म्यूज़िक वीडियोज़ वगैरह जो भी कुछ है दोस्तों वो यहाँ पे सारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, चाहे वो लॉक हो या लॉक ना हो सारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं डीसीएम में जाता हूँ, यहाँ के डीसीएम के अंदर हमारे कैमरेज के फोटोज़ वगैरह यहाँ पे होते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कैमरेज का फोटो आ गया, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सारे फोटो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी फोटो यहाँ पे क्लिक करके आप देखना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आप यहाँ पे फोटोज़ के देख पाएंगे। यहाँ पे मैं दूसरा ओपन करता हूँ तो इस तरह से यहाँ पे जो भी यहाँ पे फोटोज़ वगैरह यहाँ पे देखना चाहेंगे दोस्तों तो इस तरह से आप देख पाएंगे और यहाँ पर आप डाउनलोड भी कर पाएंगे अगर आपका मोबाइल अच्छा वाला यानी सपोर्ट करता है सारा कुछ यहाँ पे प्रोसेस को, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड पे ऑप्शन पे क्लिक करके उस फोटो को आप डाउनलोड भी कर पाएंगे दोस्तों। तो इसका आप गलत यूज़ मत करना, मैं आपको एजुकेशन पर्पज के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ यहाँ पे व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप का भी यहाँ पे वीडियोज़ फोटोज़ वगैरह भी आप देख पाएंगे और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर वीडियो है तो वो वीडियो या MP3 भी सॉन्ग है तो वो भी आप यहाँ से प्ले कर पाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों अगर किसी भी गैलरी फोटोज़ गैलरी के जो लॉक लगाया है चाहे व्हाट्सएप पर है या फाइल मैनेजर पर है, फिर भी आप यहाँ पे इस तरह से देख पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अगर आपको कि यहाँ पे अपने मोबाइल की सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों चाहे आप जो भी लॉक यूज़ करते हो, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपका क्रोम ब्राउज़र है या चाहे जो भी ब्राउज़र है उसके ऊपर आपको लॉक लगाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे दोस्तों इस तरह से यहाँ पे फाइल कोलन ट्रिपल स्लैश करके यहाँ पे एसडी कार्ड अगर सर्च करेंगे कोई बंदा तो आपके सारे डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर मैं आपको यहाँ पे सिक्योरिटी की तरीके से यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र पे यहाँ पे लॉक लगा के रखना दोस्तों। तो अगर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, आप दोस्तों शेयर कर देना दोस्तों। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और इस वीडियो में कोई सवाल सुझाव तो नीचे कमेंट जरूर बताना, मैं सब्सक्राइब कर दूँगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे बेल को प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो बस फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में।